अभी नहीं मिलेगा,
तो उस कर्म से एक बनेगा, अपूर्व बनेगा और वो कर्ता के अंतकरण में रहेगा और वो चीज बाद में मिलेगी। ये सब ठीक, परंतु आत्मा का जो ज्ञान होता है उसको जानने के बाद पाना बाकी नहीं रह जाता, क्योंकि दूसरी वस्तुएं तो अप्राप्त होती हैं, इसलिए जानने के बाद भी अप्राप्त रहती हैं, उनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। परंतु आत्मा नित्य प्राप्त है, कभी अप्राप्त हुआ नहीं, इसलिए आत्मा का ज्ञान होना माने आत्मा मिला मिलाया है, हाजरा हजूर है, अपना आपा है। आत्मज्ञान के साथ फिर आत्मा को पाना या आत्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना शेष नहीं रहता। यही अनात्मा के ज्ञान में और आत्मा के ज्ञान में फर्क है। अन्य के ज्ञान में पहले जानना, फिर उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना, फिर उसको पाना, और चूंकि वो अन्य वस्तु है इसलिए पाने के बाद भी कभी न कभी छूट जाएगी। और आत्मा को जब जानेंगे तो अप्राप्ति का भ्रम ही टूट जाएगा कि आत्मा कभी मिला हुआ नहीं था, तो न उसकी प्राप्ति का उपाय करना पड़ेगा और न पाना पड़ेगा और न छूटने का कोई प्रश्न रहेगा। इसलिए अन्य वस्तु के ज्ञान में और आत्म वस्तु के ज्ञान में अंतर होता है। जितना अनात्म विज्ञान है उसका संस्कार पड़ता है और वो कर्म का अंग होता है। आत्म विज्ञानात् अन्यत्र, आत्म विज्ञान के अतिरिक्त ज्ञान में ये नियम लागू होता है। अब शरीर में ज्ञान भी है और कर्म भी है, वो चाहे ज्ञानी का शरीर हो चाहे अज्ञानी का, वो भी आंख से देखेगा, पांव से चलेगा, ज्ञानी भी अज्ञानी भी, और हाथ से उठावेगा ग्रास और जीभ से चखेगा, चखने का ज्ञान होगा, स्वाद का ज्ञान होगा जीभ से, और उठाने की क्रिया होगी हाथ से। इसलिए लौकिक जो विज्ञान है उसमें कर्म और ज्ञान दोनों का मिश्रण है। सर्वत्र वही विज्ञानम संस्कारत्वेन गम्यते परांगंच, पर परांगंचात्म विज्ञानाद अन्यत्रेत्यवधार्यता। वार्तिक के कार ने कहा ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर लो कि आत्म विज्ञान होने पर न आत्मा को पाना है न उसके लिए कुछ करना है, वो तो मिला मिलाया है, अनमिले का भ्रम मिट गया। और दूसरी जो चीजें हैं दुनिया में उनको जानोगे, करोगे, पाओगे, फिर छूटोगे, फिर करोगे, फिर पाओगे, फिर छूटोगे, संसार का चक्र चलता रहेगा। अब आओ कर्म करने की एक विद्या सुनाते हैं। आपको दूसरों की खुचर निकालने की आदत है कि नहीं, इस पर एक बार ध्यान दो। इसने ये गलती की, इसने ये गलती की, इसने ये गलती की, अपनी जानकारी के आधार पर वो गलत हो चाहे सही, हम दूसरों को गलत बनाते चलते हैं। तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने ये ठीक नहीं किया। गलती तो हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश की भी निकालते हैं, हमको 10 गलती ब्रह्मा की बता दें,
दस गलती विष्णु की बता दें, दस गलती शंकर की बता दें। लेकिन ये बात है कि यदि आप दूसरों की गलती देखने में लग जाओगे तो न तो दूसरे कभी कम होंगे, दूसरे कभी गिनती में नहीं आएंगे, हो तो बढ़ते ही जाएंगे, और न तो उनकी गलती कभी कम होगी, न तो तुम्हारा टोकना कभी छूटेगा, तुम्हारा फंड ही हो जाएगा दूसरों की गलती देखना और उनकी खुचर निकालना, और तुम्हारे निकालने से किसी की गलती निकल जाती हो इसका भी कोई ठेका नहीं है। अच्छा तो दूसरे की बात छोड़ दें, अब अपनी करें। वैसे भागवत में जो अच्छे महापुरुष का लक्षण है, बढ़िया से बढ़िया, न स्तुवीत न निंदेत पूर्वतः साध्व साधु वा वदतो गुण दोषाभ्याम वर्जितः समद्रिं मुनिः, न कुर्यान् न वदेत् किञ्चित् न ध्यायेत् साध्व साधु वा आत्मा रामो नयावृत्या विचरे जडवन् मुनिः। जान कर भी अनजान की तरह रहो, न किसी की स्तुति करो न निंदा करो। कोई अच्छा कर रहा है अपने स्वभाव के अनुसार, कोई बुरा कर रहा है अपने स्वभाव के अनुसार, कोई अच्छा बोल रहा है कोई बुरा बोल रहा है, गुण दोष पर अपनी दृष्टि ही मत डालो, अपनी नजर ही मत जाने दो। असल में जो गुण का अधिष्ठान है वही दोष का भी अधिष्ठान है। गुण दोष छिछले स्तर पर होते हैं और गहराई में परमात्मा होता है। अध्यस्त है गुण दोष और अधिष्ठान है परमात्मा। प्रकाश्य है दृश्य है गुण दोष और अदृष्ट दृष्टा है स्वप्रकाश परमात्मा। तो अपनी नजर को भटकने मत दो, न स्तुवीत न निंदेत पूर्वतः साध्व साधु वा, अच्छा करता है अच्छा करे, बुरा करता है बुरा, अच्छा बोलता है अच्छा बोले। अब कहो कि हम एक ऐसा अनुसंधान करेंगे कि बिच्छू के डंक में जहर नहीं रहेगा, कि सांप जितने दुनिया में सांप हैं और आगे होंगे उनकी दाल में जहर नहीं रहे, हम ऐसा अनुसंधान करके रखेंगे। आप बड़े भारी लोकोपकारी हैं, बड़े भारी अनुसंधित्सु हैं, लेकिन आप प्रकृति को सर्वदा के लिए निकम्मी नहीं बना सकते। अपनी दृष्टि ठीक होनी चाहिए, न कुर्या न वदेत किंचिन न ध्यायेत साध्व साधु वा, साधु असाधु न कुर्यात साधु असाधु न वदेत साधु असाधु वा न ध्यायेत। अच्छा बुरा करे नहीं, अच्छा बुरा बोले नहीं, अच्छा बुरा सोचे नहीं, अपने आत्मा में आराम होना चाहिए। आपका आराम कहाँ है? दुकान पर है, मिठाई के दुकान पर है कि कपड़े के दुकान पर है, कि बैंक में है कि तिजोरी में है? आपका आराम कहाँ है? अपने आराम को अपने में रखिए। अच्छा तो अपने से ही मान लो कोई काम हो गया बुरा तो क्या करें? पश्चाताप कर लो, हमसे गलत काम हो गया, प्रायश्चित कर लो, किसी दूसरे के साथ हो गया क्षमा मांग लो, जल्दी से जल्दी निपटा दो,
नहीं, हमने अब से कोई 25-30 वर्ष पहले एक आदमी को हमने गाली दी थी, कब उसको याद है, रोना आता है। तो 25-30 वर्ष पहले जो गाली दी थी वो गलती की थी, वो समय तुम्हारा बहुत बुरा बीता था, और अब जो उसके लिए रो रहे हो, यदि उसका अर्थ ये हो कि अब आगे किसी को गाली नहीं देंगे तब तो कुछ संगत भी है, नहीं तो वो समय तो आपका खराब गया ही था, ये समय भी आपका खराब जा रहा है। भूत को तो आपने बिगाड़ा ही था, अब वर्तमान को और बिगाड़ रहे हैं। भगवान की याद करो ना, हर स्मृति सर्व विपद विमोक्ष, सबसे बड़ा धर्म है भगवान की याद। स्मर्तव्य सततम विष्णु, विस्मर्तव्यो न जातु चेत सर्वे विधि निषेधा स्युः एतयोरेव किंकरः। दो बात ध्यान रखो, विष्णु की याद रहे, विष्णु मानो जो सारी विश्व सृष्टि को घेर करके रहता है। विशति से विष्णु नहीं बनता हो, यानी इस धातु से विष्णु शब्द नहीं बनता है, इसमें फिर मूर्धन्य सकार नहीं हो सकेगा। विस्तृत व्याप्त से विष्णु शब्द बनता है, उसका अर्थ वेवेष्टि निकिराम, जो संपूर्ण को बेष्टन, जैसे बेष्टन पुस्तक पर रहता है वैसे संपूर्ण विश्व सृष्टि को जो आवेष्टित करके रहता है उसका नाम विष्णु। उसको देखो जो सब में है, तो याद करो भगवान की, भगवान को कभी मत भूलो। भगवान को याद करना विधि है और भगवान को भूलना निषेध है, निषिद्ध करना है। साहानि तन्मह छिद्रम साचांध जड मूढ़ता जन्म मुहूर्तं क्षणम्। वो अन्योन्मुख होते हैं, राग और द्वेष का मुंह दूसरे की ओर होता है और सुख दुख का मुंह अपनी ओर होता है। अहम सुखी अहम दुखी, मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ, तो सुख और दुख का मुंह होता है मैं की ओर, और राग और द्वेष का मुंह होता है दूसरे की ओर। ये रागास्पद मित्र है, ये द्वेषास्पद शत्रु है। शत्रु मित्र की ओर मुंह होना इसका नाम है राग द्वेष, और अपनी ओर मुंह होना इसका अर्थ है सुखी दुखी। अब आप देखो, आपके मन में किसी से द्वेष है क्या? एक बड़े उपदेशक थे वो धर्माचार्य, बोले कि देखो जी जो बुरा काम करता है उससे हम द्वेष करते हैं। धर्मशास्त्र में लिखा है कि बुरा काम करने वाले से द्वेष करना चाहिए, जो अच्छा काम करने वाला है उससे प्रेम करना चाहिए, है लिखा तो है धर्मशास्त्र, हम उनकी वकालत को पूरी तरह से मानते हैं। हाँ है, कानून तो ऐसा है, परंतु जो अध्यात्म के मार्ग में चल रहा है, आध्यात्मिक शांति सुख का अनुभव करना चाहता है, भगवान से प्रेम करना चाहता है, हरि आसिक का मद न्यारा है। जो भगवान का प्रेमी है उसका रास्ता बिल्कुल दूसरा है। आप चोर से कि व्यभिचारी से कि जुआरी से द्वेष करते हैं, मान लिया वो द्वेष करने लायक है, परंतु वो द्वेष है कहाँ, जरा ये तो बताइए, आपके दिल में है ना,
आप उस बदमाश को तो गांव में नहीं रहने देना चाहते, और इस आग को अपने दिल में रख के कलेजे को जला रहे हैं, जिसको आप गांव में नेष्यते जा परस्थोपि स्वस्मिन धार्य कथम भवे, जिसको आप गांव में कथम बा ग्रहणते दोषम सूर्यो मद्भिद हो किसो, आप दोष ग्रहण क्यों करते हैं? देखो, द्वेष है आग, इसका संस्कृत भाषा में एक नाम है आश्रयाशो, आश्रयम अस्नाति, आग जिस लकड़ी में लगती है उसको जलाती है, ये द्वेष आग है, जिस कलेजे में रहता है उसको जलाता है। आप किससे द्वेष करते हैं? सांप से करते हैं कि बिच्छू से करते हैं, कि दुश्मन से करते हैं, कि भूत प्रेत से करते हैं, कि देवता से करते हैं, कि कोई कोई ईश्वर से भी करते हैं, किससे करते हैं ये मतलब नहीं। मतलब तो ये है कि आपके कलेजे में द्वेष की आग जल रही है कि नहीं, भड़क गई आग, तो आप अपने कलेजे को जलाते रहेंगे, कैसे उसमें ब्रह्मा आवे, कैसे उसमें विष्णु आवे, कैसे उसमें शिव आवे, कैसे शांति दांति आवे, कैसे ज्ञान आवे, विवेक विज्ञान का दुश्मन। ब्रह्मा जी कमल पर रहते हैं, विष्णु भगवान क्षीर सागर में रहते हैं, शंकर जी बर्फ के पहाड़ पर रहते हैं, और ब्रह्म ज्ञान होता है समदमादि संपन्न अधिकारी के हृदय में, और आपके हृदय में तो द्वेष की आग जल रही है, कौन देवता आके बैठेगा? तो मूल बात यह है कि आप किसी के लिए भी, चाहे वो कोई कैसा हो, अपने हृदय में द्वेष मत बसाइए। द्वेष माने द्वेषो नाम ज्वलनात्मक चित्त वृत्ति विशेष। द्वेष किसको कहते हैं? कि जिसमें जलन हो, ऐसी मनोवृत्ति का नाम द्वेष है। जलता हो मन, जलता हो, कहीं किसी से द्वेष हो, कुशले नानुसज्जते। अब अच्छा आदमी दिख गया भाई, अच्छा काम दिख गया, अच्छी चीज दिख गई, और उसके पीछे ही पड़ गए। अनुसज्जते का अर्थ है पीछे पड़ना, जैसे हिंदी में बोलते हैं अनु माने पीछे, और सज्जते माने चिपक जाना, किसी के पीछे चिपक जाना, इसका नाम है अनुसंग। हम तो इन्हीं के संग रहेंगे, क्यों रहेंगे? तो बड़ा कुशल है भाई, अब तक कितने कुशल हुए हैं सृष्टि में और कितने कुशल गए। सृष्टि तो ज्यों की त्यों, कुत्ते की पूंछ, कितने उपदेशक पैदा हुए और मर गए, कितने आचार्य हुए और गए, कितने अवतार हुए और नहीं रहे, और दुनिया में इसका एक बाल भी टेढ़ा हुआ नहीं। कहते हैं बिगड़ती जाती है, बनती तो है नहीं, बिगड़ती जाती है, ऐसे लोग बोलते हैं, क्योंकि प्रकृति में विकार होता है। प्रकृति महत्तत्व बनती है, महत्तत्व अहंकार बनता है, अहंकार पंचतन्मात्रा पंचतन्मात्रा में सात्विक राजस तामस भेद होकर ये सारी सृष्टि बनती है। अरे मेरे बाप, इसका बनना कुछ बिगड़ा? इसका बिगड़ना कुछ बना? हम लोग सन 38 में पांडिचेरी गए थे, कई मित्र थे हम लोग, नलिनीकांत जी उन दिनों वहां थे, अनिल वरण राय थे,
दिलीप कुमार जी थे, अंबालाल पुरानी थे, योगानंद जी थे, कई मित्र थे। वहाँ हम लोगों ने बहुत बात की, ये सृष्टि दिव्य हो जाएगी इसका क्या अर्थ है, क्या प्रकृति में विकार होना बंद हो जाएगा, मरना बंद हो जाएगा, क्या बच्चा पैदा होना बंद हो जाएगा, क्या स्त्री पुरुष का सहवास बंद हो जाएगा, क्या बुढ़ापा नहीं होगा, है? क्या दिव्य होगी ये सृष्टि, क्या दिव्य होगी, क्या दिव्यता होगी। मैं था, रमाकांत त्रिपाठी थे, पंडित राम नारायण जी थे, हमारे मुनिलाल जी, सनातन देव जी थे, हमने समझने की कोशिश की। कपाली शास्त्री थे उन दिनों, वहीं संस्कृत के अच्छे पंडित। बाबू अंत में बात ये हुई कि सृष्टि नहीं बदलेगी, दृष्टि बदलेगी। ये साधन भजन जो होता है वो अपनी दृष्टि बदलने के लिए होता है, सृष्टि बदलने के लिए नहीं होता। वो बीच की बात मैं आपको नहीं सुनाता हूँ। दिलीप कुमार राय ने वहां ऐसा बढ़िया बढ़िया भजन सुनाया, अनिल वरण राय ने वो अपने पुराने अनुभव सुनाए, बहुत आनंद आया। परंतु बात ये निकली कि हमें अपनी दृष्टि बदलनी है। एक महात्मा ने कहा था कि देखो भाई, एक बात का ध्यान रखना, अपने प्रेमी मत बनाना, दुनिया में लोगों को अपना प्रेमी मत बनाना, खड़कंत रहना जरा। तो क्यों कि जितने प्रेमी तुम बनाओगे उतने लोगों को रुलाओगे, सब सब दुखी हो जाए। प्रेमी नहीं बनाना संसार में, उनको रोना पड़ेगा, और उनसे यही प्रेम है कि उनको रोने की स्थिति में मत भेजो। कुशले नानुसज्जते, चाहे अच्छा से अच्छा आदमी हो, अच्छा से अच्छा दृश्य हो, अच्छी से अच्छी वस्तु हो, अब तो हम इनके बिना नहीं रह सकते, इनके बिना मर जाएंगे, हैं? नहीं भाई, ऐसे मत, मस्त चलो। जो छूट गया जो सो छूट गया, जो टूट गया सो टूट गया, जो लुट गया सो लुट गया। सृष्टि शेर की तरह चलने के लिए है, ये मैं पै पै करके बकरी की तरह चलने के लिए नहीं है। देखो, युधिष्ठिर जा रहे थे, पहाड़ पर चढ़ रहे थे, स्वर्गारोहण कर रहे थे, द्रौपदी गिरी, नकुल गिरा, सहदेव गिरा, अर्जुन गिरा, भीमसेन गिरा, लौट के देखा नहीं हो, सिंहावलोकन नहीं, जब ऊपर चढ़ गए तब देखा है कोई, बोले है कुतिया है, और कोई, शर्मा शर्मा देव देव देवताओं की कुतिया थी, और कोई कुछ। ऐसा कैसे हो सकता है कि दुनिया में न किसी से द्वेष हो न राग हो? वैसे कैसे कैसे करने वाले बहुत तकलीफ पाते हैं, जो करना हो सो कर लो, कैसे नहीं ऐसे। त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। त्यागी शब्द का अर्थ है यहाँ कर्म फल त्यागी, क्योंकि त्याग सामान्य जो है वो सन्यासी में भी रहता है और गृहस्थ में भी रहता है। गृहस्थ भी त्याग कर सकता है और सन्यासी भी त्याग कर सकता है। वेशभूषा ग्रहण करना दूसरी बात है, वो तो त्याग नहीं है, वो तो ग्रहण है।
काम्य कर्म का स्वरूप से त्याग करना एक दूसरी बात है। न कहीं गुण है न दोष है, उपादान तो सारी सृष्टि का एक है, ब्रह्म है कि माया है कि प्रकृति है कि अविद्या है कि ईश्वर है कि पंचभूत है कि कुछ हो, सृष्टि का उपादान तो बिल्कुल एक है। इसलिए न कुछ छोड़ने का है न कुछ पकड़ने का है। अपने मन में जो फलाकांक्षा है जस्तु कर्म फल त्यागी स्वत्यागी त्यविधीयते, यहाँ जो त्यागी शब्द आया इस त्यागी शब्द की व्याख्या ढूंढने के लिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगला श्लोक स्वयं त्यागी शब्द की व्याख्या है, इसको बोलते हैं स्वविमर्श टीका। स्वयं आप विमर्श करो, विचार करो कि शब्द की व्याख्या कहीं गीता में है कि नहीं है। तो पहले बताया सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवाद, अपने मन इंद्रियों को वश में करो और कर्म का फल त्याग दो। यहाँ त्यागी किसको कहा? देखो सन्यासी भी यदि सन्यास का वेश ग्रहण करता है और उसके मन में ये है कि मैं अमुक मठ का आचार्य बन जाऊंगा, महंत बन जाऊंगा, महंत होने के लिए सन्यासी हुआ तो उसने काम में कर्म किया, सन्यास काम में कर्म हो गया कि नहीं हुआ? हम ऐसे लोगों को जानते हो, एक मठ के आचार्य बड़े भारी आचार्य हैं, जब उनका शरीर पूरा हुआ और वसीयत पढ़ी गई उनकी तो उसमें 29 आदमियों के नाम थे वसीयत में कि हमारे बदले ये सन्यास लें और आचार्य हो जाएं, ये सन्यास लें और आचार्य, 29 आदमियों के नाम थे। उनमें हमारे चिमनलाल गोस्वामी का भी नाम था जो कल्याण के संपादक थे, उनका भी नाम था। तो उन्होंने कहा रे राम राम राम, मैं मानती के लिए सन्यास ग्रहण करूंगा। तो काम में कर्म हो गया कि नहीं हुआ? काम में कर्म का कोई यज्ञ करता है स्वर्ग की प्राप्ति के लिए तो काम में कर्म है, और कोई सन्यास लेता है महंती प्राप्त करने के लिए तो वो काम में कर्म नहीं है? तो सन्यास में भी कामना होती है और कर्म में भी कामना होती है। अमुक कर्म करेंगे तो अमुक चीज मिलेगी। नहीं बाबा, कर्म जो तुम कर रहे हो वो तो तुम्हारा कार्य है, कर्तव्य है, नियत कर्म है, वो तो करना है। आपको भाई कर्म करेंगे तो फल आवेगा का? नहीं, फल को छोड़ो। यत कृतम यत करिष्यामि तत् सर्वम न मया कृतम, त्वया कृतम तु फलभुक् त्वमेव मधुसूदन। भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, इस शरीर के द्वारा जो कुछ हुआ है और जो कुछ होगा वो सब मैंने नहीं किया है, तुमने ही तो भीतर बैठ के अंतर्यामी रूप से किया है, तो इसका फल मैं तुम्हें अर्पण करता हूँ, तुम्हारा किया हुआ तुमको मिले। तो या कृतम तो फल भोग तुम्हें एवं मधुसूदन, गीता भी यही कहते हो। ये गीता की स्वयं प्रकाश टीका है। यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्, यत तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुष्वामदर्पणम्, शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः, संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। भगवान को अर्पित। सांख्य कहता है विवेक करो, तुम दृष्टा हो, तुम कर्ता नहीं हो, कर्म को प्रकृति में डाल दो। भक्त कहते हैं ईश्वर कर्ता है तुम नहीं, फल ईश्वर में डालो।
वेदांती कहते हैं न प्रकृति करती है, न ईश्वर करता है, न जीवात्मा करता है, ये तो अपने स्वरूप में ब्रह्म में केवल प्रतीति मात्र है, इनका बाध ही त्याग है। मिथ्यात्वेन निश्चय जो है ना प्रतीतिष्ठ और बाध किंतु मिथ्यात्व निश्चय जैसे त्याग होता है। तो भगवान ने धर्म पर बहुत जोर दिया हो, बहुत जोर दिया, धर्म जरूर करना चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म में रहकर मरना अच्छा है। स्वे स्वे कर्मण अभिरता संसिद्धिम लभते नरः, बड़ा जोर दिया। परंत में सारी गीता पढ़ के निकला क्या, सर्वधर्मान परित्यज्यो मामेकं शरणं व्रज। मैं कहीं किसी महात्मा का दर्शन करने के लिए गया था तो उसकी उसके दरवाजे पर कुटिया पर लिखा हुआ था वो एक श्लोक, तो महात्मा से जो सत्संग हुआ सो तो हुआ ही, वो जो कुटिया पर श्लोक लिखा हुआ था वो मैंने याद कर लिया। सर्वा गीता मयाधीता तत्र प्राप्तो विनिश्चयः, सर्वधर्म परित्यागी सर्व पापैः प्रमुच्यते। हंसी कथा श्लोक का, श्लोक हंसी कथा मजाक कथा। बोले सब गीता मैंने पढ़ ली और करके इस निश्चय पर पहुंचा क्या, सर्वधर्मान परित्यज्य अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, तुम सारे धर्म छोड़ दो पापों से मैं छुड़ा दूंगा, माने सब धर्म छोड़ो सब पाप से मैं छुड़ाऊंगा। लो माने पाप पुण्य दोनों से छूटना है, ऐसी स्थिति आनी है। तो त्यागी सर्व कर्म फल त्यागी स्वत्यागी जरूरी है, क्योंकि देह रहते कर्म न हो, शरीरम वावसंतम न प्रिया प्रियो हो अपहति ही अस्ते, सशरीर से सता न प्रिया प्रियो हो अपहति ही अस्ते। जब तक मनुष्य शरीरधारी है तब तक प्रिय और अप्रिय से छुट्टी नहीं मिल सकती। अशरीरम वावसंतम प्रिया प्रिय न स्पृशतः, ऐसे छूटोगे तो फल छोड़ो, कर्म तो करना ही पड़ेगा। समाधि टूटेगी तब भी कर्म करना पड़ेगा, ज्ञान होगा तब भी कर्म करना पड़ेगा, अज्ञान होगा तब भी कर्म करना पड़ेगा। नहीं देह वृता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि शेषतः, तब त्यागी कैसे हो। देखो आप फल का त्याग करो तब मजा आएगा, आपके जीवन में सत्व ही सत्व आ जाएगा, अपने आप आएगा। सत्व त्यागी सत्व समाविष्ट सत्वे विवेक विज्ञान हेतुना समाविष्ट, अपने आप तुम्हारे शरीर में वो योग्यता आ जाएगी जिसमें विवेक और विज्ञान पैदा होता है। जब तक तुम कर्म फल के मंगते हो बाबा खुदा के नाम पर एक पैसा, सुनते हैं एक सज्जन का एक रुपया कहीं नाले में गिर गया हो, बना ले गंदे नाले, वो खुद तो गंदे नाले में उतरे नहीं और कहे हे खुदा आप ये रुपया हमको निकाल के दे दो, हे खुदा। इसी बीच में कोई मुसलमान आया, उसने कहा कि तुम अपने ईश्वर को याद करो, राम को कृष्ण को ईश्वर को याद करो, वो निकाल के दे, खुदा को क्यों याद करते हो।
तो उसने कहा कि मैं एक रुपए के लिए अपने ईश्वर को पनाले में नहीं भेज सकता। आप बाबा कर्म करते हैं, आपके शरीर में कर्म करने की योग्यता है, प्रकृति की दी हुई है, ईश्वर की दी हुई है, कर्म आप करते हैं, बहुत बढ़िया। सूर्य चंद्रमसा विव, सूर्य कर्म करता है, चंद्रमा कर्म करता है। स्वस्ति पंथा मनुचरेम, ऋग्वेद का मंत्र है, स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विव। हम अपने रास्ते में चले कैसे चले, जैसे सूर्य और चंद्रमा चलते हैं, ऐसे निष्काम भाव से अपने जीवन में चलें, तब हमारे जीवन में जब फल तो स्वयं में तमोगुण है और उसको चाहना रजोगुण है। जब चाह और चाह का विषय जब दोनों अंतःकरण में नहीं रहेगा, तब ज्ञानात्मक जो सत्व है, जिस सत्व में अंतःकरण में ज्ञान विज्ञान का, विवेक विज्ञान का, विवेक होता है दो में से दो चीजों को अलग अलग कर देना, दो एक में मिली हो तो उनको अलग अलग करने का नाम विवेक। विवेचनम विवेक विचर पृथक भावे, दो कई चीजें मिल गई हैं, अलग अलग कर दिया, विवेक हो गया। और उनमें एकत्व का विज्ञान होता है, ये कहाँ होता है, ये सत्वात्मक अंतकरण में होता है। भावनात्मक सत्व को सत्व बोलते हैं, बना अस्तिति सत, सतो भाव सत्वम। सत जब भाव के रूप में आता है, जहाँ सत्य परम सत्य परमात्मा भावनात्मक रूप ग्रहण करता है, वहाँ होता है सत्व, उसमें उत्साह होता है, उसमें तृप्ति होती है। मैंने पंडित रघुनाथ शर्मा से एक दिन चर्चा की काशी में, संपूर्ण आनंद विश्वविद्यालय के वेदांत विभाग के, क्रिया सिद्धि सत्वे वसति महताम नोपकरणे, कर्म की सफलता सत्व में निवास करती है, सामग्री में नहीं, सहायकों में भी नहीं, सामग्री में भी नहीं। कर्म की सफलता सत्व में निवास करती है। यहाँ सत्व शब्द का क्या अर्थ है, सत्व गुण है और अंतकरण है, बल है, स्थैर्य है, क्या है? वो बोले अच्छा मैं कल बताऊंगा। हमारे मित्र हैं, मित्र भी हैं, संबंधी भी हैं, पुराने हैं अभी, तो वो गए सभापति उपाध्याय के पास, उनसे बड़े बूढ़े थे, उनसे जाके पूछा, पहले ये रिवाज थी वो अपनी अपने मन से कल्पना करके कोई बात नहीं कही जाती। तो सभापति उपाध्याय के पास गए, वो बिरला विद्यालय के प्रधान आचार्य, उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि इसका अर्थ मैंने महामहोपाध्याय पंडित शिवकुमार शास्त्री से सुना हुआ। उन्होंने कहा यहाँ सत्व शब्द का अर्थ सत्वगुण नहीं है, अंतकरण भी नहीं है, धैर्य भी नहीं है, स्थिरता भी नहीं है, क्या है, तो उत्साह है। क्रिया सिद्धि सत्वे वसति महताम नोपकरणे, अपने हृदय में उत्साह बना रहे, वो न टूटने पावे, उत्साह बना रहे तो सारी दुनिया पीछे चलती है। तब हम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, ब्रह्म भावापत्ति हो जाएगी, अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा, भगवान मिलेंगे, उत्साह आ जाएगा चित्त में, फिर विवेक का उदय होगा क्या है ईश्वर, विज्ञान होगा क्या है ईश्वर। अपने जीवन में सत्वगुण प्रवेश करेगा कब,
अपने जीवन में सत्वगुण प्रवेश करेगा कब, का हम अपने कर्म में जो फल की इच्छा है उसका त्याग कर देंगे तब सत्व समाविष्ट हो। देखो तुम्हारे हृदय में कितना सत्व आ रहा है, फलाकांक्षा से रहित होकर कितना कर्म करते हो, कौन कौन तुम्हारे कर्म फलाकांक्षा से युक्त हैं, फल की इच्छा से होते हैं, और किन किन कर्मों में फल इच्छा नहीं है। कामान जह कामयते मन्यमाना स्वकाम विर्जायते तत्र तत्र पर्याप्त काम से कृतात्मनस्तु इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः। आओ महाराज, मैंने महामंडलेश्वरों के सामने हाथ जोड़ के कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। स्वामी कामान काम कामाय मह्यम कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कितना पाठ किया है, श्रुति कहती है कामान यः कामयते मन्यमानः स काम विर्जायते तत्र तत्र। जैसी कामना करोगे वहां पहुंच जाओगे। जरा मेधावी बनो भाई, मेधावी। मेधा कहते हैं प्रज्ञा को। वैसे बुद्धि के कई माने प्रत्येक शब्द जो है वो अलग अलग अर्थ के, जैसे बुद्धिर मनीषा धिषणा धीहि प्रज्ञा सेमुषी मतिहि, अनेक पर्यायवाची शब्द हैं। भाषा में सबके अर्थ में किंचित पार्थक्य होता है, पृथकता होती है। पर्यायवाची शब्दों में भी ये नहीं कि एक शब्द का जो अर्थ है दूसरे शब्द का भी वही अर्थ है। तो मेधा क्या होती है? मेधा माने बुद्धि, बुद्धिर मनीषा धिषणा दी प्रज्ञा से मुझे। मेधा माने क्या होता है? तो बुद्धि का नहीं नहीं, सब बुद्धि का नाम मेधा नहीं है। धीर धारणात्मिका मेधा, जो धारणात्मिका बुद्धि है, धत्ते इति धी ही, धारणात्मिका धी ही मेधा, जो धारण करे हो। व्याख्यान तो बहुत सुना, उपदेश तो बहुत सुना, पढ़ा तो बहुत, परंतु यत पठितम तद गुरवे समर्पितम। महाराज आप तो बहुत पढ़ के आए हैं, पढ़ के तो आए हैं, परंतु गुरु दक्षिणा में मैंने उनका पढ़ाया हुआ उनको दे दिया। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पितम्। धीर धारणात्मिका मेधा, धारण करने की जो शक्ति है उपदेश को धारण कर ले। एक बात सुन के राजा भोज ने अपने यहाँ ये कायदा बनाया कि कोई पंडित आके एक श्लोक नया सुना दे तो उसको लाख रुपया देंगे। पर उनके यहाँ महाराज ऐसे मेधावी विद्वान थे, आके कोई पंडित एक श्लोक सुनावे तो एक बोले हमने पहले से, हमको ये श्लोक पहले से मालूम है, बोल दो सुना और ग्रहण कर लिया, धारण कर लिया, बोल दिया, अरे श्लोक तो पहले से हमको मालूम है। अब दूसरी बार वो बोलता तब तीसरा बोलता कि हाँ हमको भी मालूम है, क्योंकि दो बार सुनने पर उसको याद हो जाता। अब कोई श्लोक नया आवे ही नहीं, तो कालिदास आए बोले कि सुनो भोज, मैं आज एक बिल्कुल नया श्लोक लेके आया हूँ। पंडित लोग इकट्ठे हुए, देखें क्या नया सुनाते हैं। तो देखो इन पंडितों को कहो सावधान रहे, इनको मालूम है कि नहीं है, तुम्हारे बाप ने हमसे 1 करोड़ मुहर कर्जे में लिया था। श्लोक में बता दिया। यदि इन पंडितों को ये श्लोक मालूम हो तब तो हमारा करोड़ रुपया दे दो, करोड़ मुद्रा दे दो हमको, है ना। मालूम हो तो दे दो, और न मालूम हो तो नया श्लोक होने से लाख दो हमको।
मेधावी लोग ऐसे होते हैं, मेधा। मेधा की पहचान ये है कि तुम्हारे चित्त में शंका है कि नहीं, दुविधा है कि नहीं, आत्मा ब्रह्म है इस विषय में कुछ संशय है क्या। संशय माने होता है वो गाढ़ी निद्रा, गाढ़ सपने में भर रहते हैं, सम्यक शयनम सिंह स्वप्न है, संशय संशयनम संशय शंका। सम शांतिम कृंतति, कृति कर्तने, शंका किसको कहते हैं, जो हमारे हृदय की शांति को मिटाते हैं। तो देखो सच्चा ज्ञान वो है जिसमें कोई संशय कोई दुविधा नहीं। ये किसको प्राप्त होता है, का मेधावी को। और मेधावी कौन होता है, का जिसके जीवन में सत्वगुण है। और सत्वगुण किसके जीवन में होता है, का जो कर्म फल त्यागी है। और कर्म फल त्याग कौन कर सकता है, जो संसार की वस्तुओं में राग द्वेष नहीं करता। न द्वेष्टि कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते, त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। ओम।